नमस्कार, विश्व पर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हुए पर जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। दिल्ली के 1.47 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल नई सरकार चुनने के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, होमगार्ड सहित अर्धसैनिक बल के 75,000 से ज्यादा हथियारबंद जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। राज्य चुनाव मुख्यालय कश्मीरी गेट परिसर के प्रथम मंजिल पर बेहद विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। सुबह 11 बजे के बाद दिल्ली में वोटिंग के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सुबह 11:34 तक 14.75% मतदान हुआ। आम आदमी पार्टी आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। वोटिंग से पहले सीएम केजरीवाल ने माता पिता से पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मां ने केजरीवाल को तिलक भी लगाया। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूर पर राजपुरा रोड के परिवहन विभाग में वोट डाला। वोट डालने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिसके सर पे माँ बाप का हाथ हो उसके साथ ईश्वर स्वयं होते हैं। आज वोट डालने के पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया और फिर उनके साथ वोट डालने गया। वोटिंग से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है। मैंने अपने परिवार के साथ जाके वोट दिया और दिल्ली के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने मत के अधिकार का, वोट के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब लोग वोट डालने जाएं, ज़रूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन वोट डालने ज़रूर जाएं। और ख़ासकर मैं महिला वोटरों से अपील करना चाहूँगा। हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाएं कई बार घर में रह जाती हैं और वोट डालने नहीं जाती। मैं महिला वोटरों से खासकर अपील करने के लिए जाऊँगा कि सब लोग, कोई भी घर में ना रहे, सब लोग वोट डालने के लिए जरूर जाएं। वही पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हमारी जीत पक्की है। 5 साल में हमारे सामने बड़ी चुनौतियां रही, हमने हर चुनौतियों का डटकर सामना किया। हम पूरी तरह जीत के लिए आश्वस्त हैं। दिल्ली की सबसे बुजुर्ग वोटर काली तारा मंडल ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट के लिए पोलिंग स्टेशन SDMC स्कूल चित्रंजन पार्क में मतदान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट इंस्टेंट पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पत्नी गुरुशरण कौर के साथ नई दिल्ली विधानसभा के निर्माण भवन स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पोलिंग बूथ नंबर 161 टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अलका लांबा स्वयं चांदनी चौक विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने भी वोट डाला। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत को देखकर आए हैं। जिन लोगों ने सबूत मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, आज दिल्ली की जनता बटन दबा दबा के सारे सबूत पेश कर देगी। देखिए, असली में जब जनता वोट करेगी तो इसलिए वोट करेगी कि घरों में गंदा पानी क्यों आ रहा है, सड़कें टूटी हुई क्यों है, DTC की बस क्यों नहीं खरीदी, पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हुआ, एक भी अस्पताल क्यों नहीं बना, एक भी कॉलेज क्यों नहीं बना, एक भी फ्लाईओवर क्यों नहीं बना। और अगर आप कहते थे कि आपके पास एक पेन खरीदने की ताकत नहीं है और एक चपरासी रखने की ताकत नहीं है तो आपको दोबारा सत्ता में आना क्यों है, क्योंकि काम तो आप कर नहीं सकते, ये आपने रोज दिल्ली की जनता को बताया था। तो जनता बड़ी समझदार है, जनता 5 साल की चीटिंग के और धोखे का भी हिसाब किताब करने जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णा नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले रतन देवी पब्लिक स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता बीजेपी का साथ देगी। बीजेपी नेता और सांसद प्रवेश वर्मा ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पुलिस स्टेशन में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मतदान के लिए पहुंचे। राहुल गांधी APJ अब्दुल कलाम मार्ग स्थित पोलिस बूथ पर मतदान के लिए पहुंचे। वहीं सोनिया गांधी ने निर्माण भवन में वोट डाला और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोधी स्टेट में मतदान किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। व्यापार जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।